जरूरी थोड़ी है कि तुम स्विमिंग पूल में सुसुना करो, क्या पता किसी और ने कर दी। भाई अपना आ गया मैकडी, फटाफट चलते हैं। और ऊपर से भाई मैं बताना भूल गया, वैलेंटाइंस डे आज। हाँ जी गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई एक और नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई एक मिनट रुक जाओ, पंखा ज़्यादा शोर कर रहा है, इसको बंद कर दूँ पहले। भाई शुरुआत वही होगी भाई, 2:45 देख लो, ठीक है। 2:45 हो रही है। जेन्युइन सी बात है कि भाई हमने कहाँ जाना है। भाई मैं उठ गया था सुबह, पहले मैं उठ रहा था 9:00, पापा का फ़ोन आया था कि एक बार गाड़ी का कुछ नंबर चाहिए था, मेरी वाली गाड़ी का, वो भेज दे। तो वो भेजा, उसके बाद आके फिर मैंने क्या 2 परांठे खाए 9:30, फिर आके अपना वापस सो गया। अब फिलहाल दोबारा उठाऊँ, अब जा रहा हूँ जिम। पहले नीचे चले फ्रूट्स खाता हूँ, थोड़े बहुत फ्रूट्स पैक भी करा लूँगा, फिर अपना निकलते हैं जिम के लिए। भाई अभी आ गए अपना स्विमिंग करने, और भाई जिम तो जा नहीं पाए क्योंकि भाई कुछ काम अटका हुआ था, वो काम निपटाया पहले, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं, मतलब टाइम तो अभी भी अपना जिम जाने का, लेकिन भाई फिर इस टाइम ना भीड़ हो जाती है, तो अपना इसलिए डायरेक्ट स्विमिंग करने ही आ गए। ये देख लो भाई, आज तो एक ही बंदा कर रहा है, ब्यूटीफुल व्यूज़। चलते हैं भाई, अपना कपड़े चेंज करते हैं और अपना स्विमिंग स्टार्ट करते हैं। फिर भाई अपना एंट्री ले लिया स्विमिंग पूल में, और भाई आज ना, और आज जो अपना एंट्री लिया भाई, ऐसे नॉर्मल सीढ़ियों से उतर के आप बैठ के नहीं ली, आज भाई डायरेक्ट डाइव मार के एंट्री ली, काफ़ी टाइम बाद मारी है, बढ़िया मज़ा आ गया डाइव मार के। तो भाई अब अपना स्विमिंग करके आ गए बाहर। और भाई मैं वैसे एक चीज़ सोचता हूँ, पहले कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। भाई अब अपना चेंज कर लिया, अब अपना निकल रहे हैं भाई स्विमिंग पूल के यहाँ से। और भाई यहाँ मैंने एक चीज़ स्विमिंग करते वक्त नोटिस करी कि भाई यहाँ पर ना पपीते के भी पेड़ है भाई, ये देख लो, ये भाई पपीता है ये, और ये वाला भी, मतलब 3-4 पेड़ है, ये देख लो पीछे नारियल के, आगे पपीते के पेड़। अरे वाटरफॉल भाई, जब मैं आया था ना तब तो चल नहीं रहा था, इन्होंने अभी ऑन करा है, ये बंदा है भाई। ठीक है भाई अब अपना चलते हैं बाहर, ठीक है अब अपना चलते हैं बाहर। बाहर चल के भाई आज थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा अपना पूरा, भाई काम में लगा हुआ था इसीलिए। और भाई मैं ये कह रहा था, वैसे तो टाइम हो गया भाई 6:40, अंधेरा ही होने वाला है लगभग, दिन तो ख़त्म ही होने वाला अब। और मैं पता क्या कह रहा था कि भाई जैसे स्विमिंग करने आते हैं हम, अब जरूरी थोड़ी है कि तुम स्विमिंग पूल में सुसुना करो, क्या पता किसी और ने कर दिया, क्योंकि भाई आज मेरे बॉडी में ना स्विमिंग करके बाहर निकलो अजीब सी इचिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मैं मतलब ये सोच रहा था कि भाई क्या पता किसी ने कर दिया हो, और भाई जरूरी थोड़ी, दिन में 100 बंदे आते हैं, 100 में से मैं कह रहा हूँ 99 ने नहीं करा, एक ने कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये मैं सोच रहा था। और भाई ऐसा हो भी सकता है हकीकत में, जरूरी थोड़ी तुम ना करो, क्या पता कोई और कर दे, क्या पता इसलिए मेरी बॉडी वेस्ट है, इचिंग हो रही है। ठीक है भाई अपना चलते हैं घर और नहाते हैं भाई फटाफट, कि भाई काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है। ठीक है भाई अभी निकले अपना घर से, नहा धो के अपना बढ़िया आ गए भाई, अब इचिंग भी ख़त्म होगी सारी। ठीक है मेरे को लग रहा था कुछ दिक्कत थी आज पानी के अंदर, इसलिए इचिंग हुई है, क्योंकि 2 दिन से तो ही नहीं ऐसे कुछ। और भाई आज मैंने सोचा कि भाई 10-12 दिन हो गए अपना घर का खाते हुए, अपना जिम वाला और जिम भी जाते हुए, तो आज एक दिन एक मील अपना चीट डे वाली करे, अपना चीट मील कर लेते, तो इसलिए भाई मैंने सोचा चल भाई मैकडी चलते हैं, मैकडी से कुछ खाते हैं बढ़िया सा वेज। तो अपना जा रहे हैं भाई मैकडी चल के लेते हैं कुछ बढ़िया सा खाने पीने का सामान, क्योंकि आज काफ़ी मन कर रहा था मैकडी का खाने का, तो फिर मैंने कहा भाई चल ही देते हैं, इसलिए एक मील चीट मील हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे, वो भी 10 दिन में एक बार, कोई बात नहीं चलता इतना तो। ठीक है चलते हैं मैकडी, वहीं चल के मिलते हैं डायरेक्ट। भाई अब अपना आ गया मॉल में, अपना गाड़ी पार्क कर दी पीछे, और अब अपना चलते हैं मॉल में। और भाई पापा की गाड़ी भी यही खड़ी है पीछे ही, मतलब मेरी गाड़ी के एक गाड़ी छोड़ के साथ में पापा की गाड़ी खड़ी है, देखते हैं पापा मिलते हैं ऊपर। तो भाई अब अपना आ गया मैकडी, फटाफट चलते हैं अंदर और ऑर्डर करते हैं। भाई अब अपना मैकडी से सामान पैक करा लिया है, यहाँ बैठ के खा नहीं रहे, कोई रीज़न है उसका भी गाड़ी में चल के बताता हूँ। ठीक है चलते हैं पहले गाड़ी में, फिर बताता हूँ क्या रीज़न है। अब अपना मैकडी का सामान लेके आ गए गाड़ी में,
खाऊंगा तो गाड़ी में भी नहीं। वैसे मेरा मन था कि वहीं पे अपना फ्रेश फ्रेश गरम गरम खाऊं, लेकिन भाई वहाँ का क्राउड देख के तो मेरा मन नहीं करा, क्योंकि एक तो मॉल में और ऊपर से भाई मैं बताना भूल गया आज अब वैलेंटाइंस डे आज, तो इसलिए भाई इतना क्राउड, लड़के लड़की लड़के लड़की, मेरा भाई यार क्या बैठ के खाऊं, और खाऊं तो खाऊं और कपड़े भी मैं ढंग के पहन के नहीं, तुम्हें तो पता मैं बेशर्म हूँ, कपड़े भी ढंग के नहीं पहन के लो टी शर्ट में आ गया चप्पल में, ये भी नहीं सोचा कि आज भाई वैलेंटाइंस डे है ढंग के कपड़े पहन के जाता हूँ अगर वहाँ बैठ के खाना है तो। खाने को तो अभी भी खा सकता था पर थोड़ी शर्म सी आई, वगैरह ऐसे कपड़ों में बैठ के क्या खाऊंगा, इसलिए मैंने फटाफट पैक करवा के भाई गाड़ी में ही ले आया। लेकिन अब यहाँ पार्किंग में भी देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी नहीं खाना चाहिए, वैसे यहाँ कपड़े वगैरह ऐसे कुछ दिखेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा फिर जब गाड़ी में बैठ के खाना है तो इससे बढ़िया अपना घर चल के खाओ, तो इसलिए अपना भाई डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं, घर जाके खाएंगे। देख रहे हो आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन क्या मतलब बढ़िया माहौल रहता है, और मैंने दिखाया नहीं माहौल। चलते हैं भाई अब घर, अपना घर चल के ही खाएंगे, आज किस्मत में नहीं था यहाँ बैठ के खाना।